गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। कल हमने स्टडी की थी सेल के बारे में, तो हमने कल पढ़ा था, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ प्रीवियस लेक्चर थोड़ा फास्ट। मैंने ये बताया था कि ये एक सेल हम मानते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें ये एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने बताए थे आपको, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर को हल्का सा मैं रिकॉल कर रहा हूँ ताकि इनके साथ आप थोड़े सा लिंक कर सको। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और यहाँ एनर्जी ड्रॉप करते हैं और वापस यहीं आ जाते हैं। हमारा कल का मेन मुद्दा ये था कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आते हैं और उस दौरान उसके अंदर एनर्जी भरी जाती है, ठीक है। तो मैंने ये बताया था कि यहाँ से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर प्रोवाइड होती है जो कि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई करती है, और उस इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपने से अपोजिट लेके जाना। बट एक्चुअली में होता क्या है इस सेल में कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आता है, यही हमारा मेन मुद्दा था। और ये किस कारण से हुआ था, ड्यू टू ए बैटरी मैकेनिज्म। बैटरी मैकेनिज्म क्या बताया था कि इस रिएक्शन के दौरान एक फोर्स बनती है, एक एनर्जी बनती है, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ड्यू टू एक्जोथर्मिक, जो भी इसमें रिएक्शन होती है एक्जोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन मैंने बताई थी, उसके कारण से यहाँ पे एक फोर्स बनती है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स, और वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स से ज़्यादा होती है। इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन को इधर ज़बरदस्ती लेके आती है, और जब लेके आएगी वर्कडन करना पड़ेगा, और वर्कडन ही क्या होता है एनर्जी, और वही एनर्जी इस ये इलेक्ट्रॉन लेके आता है और यहाँ से होता हुआ आर में ड्रॉप करता है और वापस पॉजिटिव पे आ जाता है, फिर से वही प्रोसेस चलता रहता है, सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ये करंट की डायरेक्शन जाएगी। ये नॉर्मल मैंने सेल का प्रोसीजर बताया था आपको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ईएमएफ के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। तो ईएमएफ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, देखो ईएमएफ नाम से मतलब होता है इसका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, नाम तो होता है इसका इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट ए फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है। एक्चुअली में इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स यानी ईएमएफ जो होती है दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आप देख रहे हो, या आप टर्मिनल्स कह सकते हो सेल के, या आप इलेक्ट्रोड्स कह सकते हो, सेल ऐसे बनती है तो इन दोनों नेगेटिव पॉजिटिव इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बीच की बात हो रही है, बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज द ईएमएफ। तो याद रखना सबसे पहला स्टेप है ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स, इट इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। लेकिन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स या टर्मिनल कह लो, ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन नो करंट फ्लो, जब सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा उस समय दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज द ईएमएफ। ये कंडीशन हमेशा याद रखना, अभी और ज्यादा डीपली स्टडी करेंगे एग्जांपल लेते हुए। तो नो करंट फ्लो, या हम कह सकते हैं कि ओपन सर्किट, क्या कह सकते हैं ओपन सर्किट। अब मैं एक यहाँ पे सर्किट डायग्राम आपको बना के सिखाऊंगा किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मल इस सिंबल से, लाइक ए ई, इस तरीके से बना सकते हो। अब देखिए नेगेटिव टर्मिनल की पोटेंशियल वी नेगेटिव हमने मानी थी कल, और पॉजिटिव टर्मिनल की पोटेंशियल वी प्लस, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला यहां से क्या बनता है, ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल यानी
पॉजिटिव में से इन दोनों ट्रंगल्स का वी प्लस, और ऐसे बोलो ना आप इसको कि नेगेटिव पर नेगेटिव पोटेंशियल होती है ऐसे, और पॉजिटिव पर पॉजिटिव पोटेंशियल होती है। तो दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पे निकाल रहा हूं, पॉजिटिव वी पॉजिटिव माइनस माइनस वी नेगेटिव। समझ में आया? चलिए इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मान लीजिए मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं यहां पे, चलो यहीं से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहां पर 10 वोल्ट की पोटेंशियल है, यहां पे 10 वोल्ट पोटेंशियल और यहां पे -4 वोल्ट पोटेंशियल है। मैं कहूं डिफरेंस कितना होगा, तो 10 माइनस माइनस 4 कितना आ जाएगा, 14 ऐड हुआ। तो याद रखना इसका मान लीजिए 15 प्लस 15 वोल्ट है, यहां पे -5 है, तो डिफरेंस कितना हुआ, +15। तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, वैसे मेन चीज यही होती है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होके आती है। ईएमएफ हमेशा क्या होके आती है, इंक्रीज होके आती है। तो E का फॉर्मूला होता है वी प्लस प्लस वी माइनस, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। E से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जब कोई भी करंट उसमें से फ्लो नहीं कर रहा होता है। अब मैं आपको पूरी डीपली स्टडी इसकी करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा सर्किट डायग्राम से। देखिए पहले थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी सेल लेके आते हो, नॉर्मल रिमोट के सेल जो होते हैं या टॉर्च वगैरह के सेल जो होते हैं, उस सेल पे कुछ लिखा होता है, उस पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट। अगर आप कोई भी रिमोट वगैरह के सेल लेके आते हैं तो उस पे आप ध्यान से देखना 1.5 वोल्ट लिखा होता है, दैट इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। क्योंकि याद रखना जब भी आप मार्केट से सेल खरीद के लाते हो, क्या उसमें करंट फ्लो करता है, क्या उसमें से करंट फ्लो करता है? जब आप मार्केट से नया नया सेल लेके आते हो तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता, यानी जब करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है तो उस सेल के दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होता है और वो फिक्स होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट क्या एक्चुअली 1.5 वोल्ट वो हमें देगी? तो याद रखना 1.5 वोल्ट उस पे लिखा जरूर होता है, बट वो 1.5 वोल्ट हमें देती नहीं है, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप जरूर होता है। अब वो कैसे होता है वही हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए मान लीजिए एक सेल है हमारे पास, ये एक्सटर्नल एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया मैंने। आपको पता है वोल्टमीटर क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब जरा देखिए, मान लीजिए इस सेल का जो पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट में लेके चल रहा हूँ और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम लेके चल रहा हूँ। तो आप कहोगे यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं दो चीज फाइंड आउट कर रहा हूँ कि आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आई कितना होता है वी अपॉन आर, यानी 12/4 दैट इज 3 एम्पियर, ठीक है। भाई मार्केट से मान लीजिए उस पर 12 वोल्ट लिख रखा है मार्केट से जो भी लाए, और मैंने उसको कनेक्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू 12 वोल्ट हमें करंट मिल जाना चाहिए 3 एम्पियर, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलना चाहिए, अगर मान लीजिए यहाँ से 3 एम्पियर करंट जा रहा है और आगे रेजिस्टेंस मिला 4, आर की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 3, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, आई आर दैट इज 3 × 4 इज इक्वल टू 12 वोल्ट। 12 वोल्ट ही दे रहे हैं, 12 वोल्ट की ही रीडिंग दिखा रहा है, होना ऐसा ही चाहिए ना। हम बड़े खुश हो गए, हाँ भाई ठीक है 12 वोल्ट ला रहे हैं, 12 वोल्ट हमें मिल रही है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमें करंट मिल रहा है। बट ये सिर्फ हमारी रियलिटी में क्या होता है, ये सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, हम ऐसा सोचते हैं। रियलिटी में हमें क्या मिलता है, रियलिटी में करंट मिलता है हमें 2 एम्पियर और वोल्टेज मिलती है हमें 8 वोल्ट। अब ये किस तरीके से कम हुआ, ये होगा, सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ये क्यों हुआ कैसे हुआ इसके लिए भी एक टॉपिक आ रहा है थोड़ी देर में, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसकी वजह से ये किस तरीके से कम होता है वो भी आपको डिटेल में समझाएंगे हम। फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ
कि बेटा जो सेल हम मार्केट से लेके आते हैं उसके ऊपर जो ईएमएफ लिखा होता है क्या वो रियल में हमें उतना ही मिलता है? बिल्कुल नहीं। उतना वोल्टेज, उतना पोटेंशियल डिफरेंस, उतनी जो ईएमएफ लिखी होती है उस समय हमें वो नहीं मिलती, क्योंकि जैसे ही सेल मैं सर्किट में कनेक्ट करता हूँ और उसमें से करंट फ्लो करता है तो पोटेंशियल कुछ ड्रॉप हो जाती है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है। वो जो ईएमएफ हम मार्केट से लेके आए थे वो उस समय थी जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस समझिए आप कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हमें पूरी ईएमएफ मिल रही है जो मार्केट में जो उसके ऊपर लिखी आ रही है 12 वोल्ट, ठीक है भाई, ओके वेरी गुड। लेकिन जैसे ही मैं करंट फ्लो करवाता हूँ सेल में से, यार उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। किस तरीके से ये होता है? तो इसके लिए एक नया टॉपिक आता है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप ईएमएफ समझ में आ गया होगा कि ईएमएफ एक्चुअली में होता क्या है। ईएमएफ वो होता है जो उस सेल पे ऑलरेडी लिखा होता है, जो कि फिक्स होता है, लेकिन कब? जब तक उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करवाया जाए, दैट इज द ईएमएफ ऑफ सेल। ये सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। या हम कह सकते हैं कि जब सर्किट ओपन हो, स्विच ऑन नहीं किया हो, उस समय जो सेल की पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज द ईएमएफ। जैसे ही करंट फ्लो करवाएंगे चेंज हो जाएगा सब कुछ। तो वो चेंज क्यों हुआ उसके लिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए अब इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, ये बड़ा काम आएगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। एक्चुअली में हम इसकी सिंपल डेफिनेशन भी बना सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। वैसे आपको पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट पैदा करना करंट के पाथ के अंदर। बड़ी अटपटी सी डेफिनेशन है, आप सिंपल भी बोल सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक क्या कह सकते हैं, विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। देखिए, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रुकावट ऑफर टू द पाथ ऑफ करंट। करंट के पाथ के अंदर रुकावट जो पैदा करता है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलाइट के नेचर की वजह से। अब दिक्कत आ गई, अब थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, यार ये लास्ट वाली लाइन क्या लिख रखी है, ड्यू टू नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए, कल हमने जो किया था इसमें दो इलेक्ट्रोड हम लगा रखे थे, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आता है तो इसमें देखो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ही इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होता है। किस तरीके से? देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इधर की तरफ आना चाह रहा है, जब ये यहाँ से एनर्जी लेके इधर की तरफ आएगा तो उसको बीच में क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रोलाइट, यानी एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कल बताया था मैंने, एक तालाब है, उसमें से अगर आप तैर कर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो सिंपल सी बात है, आपको भैया कोई ना कोई तो रुकावट पैदा होगी, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको पार करने के लिए। सिंपल सी बात है, आपको एक जगह से दूसरी जगह तक तैर कर जाना है। वो जो लिक्विड है बीच में वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन हमने डाल रखा है। उसमें कौन कौन है? उसमें आयंस, मॉलिक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट है, किसी भी मटेरियल का हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से जाएगा तो उसको रास्ते में वो आयंस वगैरह, मॉलिक्यूल्स वगैरह सब मिलेंगे, वो उससे टकराएंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे, तो रेजिस्टेंस तो आएगा थोड़ा बहुत, कोलिजन की वजह से ही तो रेजिस्टेंस आता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट की वजह से
ये जो पानी सा दिख रहा है आपको, ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, कंडक्टिंग सॉल्यूशन जिसको हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला है, इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस वगैरह प्रेजेंट हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, भिड़ेंगे, कोलिजन होंगे, तो उसी कोलिजन की वजह से एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, एक रुकावट पैदा होती है, कहाँ पर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, यानी सेल के, ये सेल होती है इस दोनों नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, जहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस आता है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? एंड दैट इंटरनल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर मतलब जब यहां से जाता है चार्ज, तो कुछ चार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है और ईएमएफ कम हो जाती है, इसी की वजह से, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की ही वजह से। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, अब उस सर्किट में जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए, सेल जो होता है ना, सेल, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्चुअली में होता तो इन दोनों के बीच में है, बट हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ बाहर, बिल्कुल इसके साइड में, स्मॉल आर। और मान लीजिए इसकी वैल्यू आई 2 ओम, 2 ओम का ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ले रखा इस सेल का। हर एक सेल का अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस आता है, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। अब जरा मुझे बताइए, अब जरा देखिए यहाँ पे कि अब क्या होगा है, सोचो जरा, ये देखिए, अब करंट बताइए कितना होगा एक्चुअली में। एक्चुअली सर्किट ये होता है, क्योंकि उस समय जो हमने ये करंट निकाला था, ये वोल्टेज निकाली थी, उस समय इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस को पढ़ने के बाद अब हमें समझ में आया कि यार सेल का भी तो खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास आउट करते हुए इससे यहाँ आता है ना, ठीक है, तो एक ये देखिए, पॉजिटिव से जब नेगेटिव की तरफ आता है ना इलेक्ट्रॉन, तो उस समय एक इंटरनल रेजिस्टेंस रुकावट पैदा करता है। तो भैया एक रेजिस्टेंस और आ गया, पहले 4 ओम था, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और आ गया। तो अब देखिए, अब करंट कितना आएगा इस सर्किट में, ध्यान से देखना, अब करंट कितना आया, टोटल पोटेंशियल है 12 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस 4 और 2 6, कितना आया 2 एम्पियर। अब यहां से क्या है कि 2 एम्पियर करंट जाएगा, रस्ते में कौन मिला 4 ओम, तो R वोल्टमीटर के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, यहां 2 चौक 8। ये देखिए और ये देखिए, मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में ये नहीं होता, रियल में ये होता है, एक्चुअल में ये मिलता है, ये तो हम मानते हैं, हमारे दिल को खुश करने के लिए मान लेते हैं कि यार अरे 12 वोल्ट लाए थे, 12 वोल्ट मिलेगी हमें, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं। कैसा होता है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से एक्चुअल करंट हमें मिलता नहीं, करंट थोड़ा सा कम हो जाता है, उसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप भी कम हो जाती है। जो सेल 12 वोल्ट की थी, अब वो कितने वोल्ट की देगी हमें, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेगा वो, 8 वोल्ट। 4 कहाँ गई, 4 तो खा गया ना रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बीच में 4 खा गया ना। 12 वोल्ट की थी सेल, उस पर ईएमएफ थी 12 वोल्ट, ठीक है, जैसे ही सर्किट में ज्वाइंट हुई, करंट फ्लो करने लग गया, उसने उस 12 में से 4 दे दिया अपने बच्चे को। उसका बच्चा कौन, सेल के बीच में उसका बच्चा, ये साइड में छोटा सा उसका बच्चा, ये पूरी कंप्लीट एक सेल है, ठीक है। 12 वोल्ट की थी, 4 इसने इसको दे दिया, तो हमें कितना मिला, 8 वोल्ट। तो याद रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद रखना हमेशा कि ईएमएफ जो लिखी आती है वो तब तक ही फिक्स है जब तक कि, समझ रहे हो ना, ईएमएफ तो देखो फिक्स होती है 12 वोल्ट, ठीक है, कब तक, जब तक कि उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। जैसे ही करंट दोगे, उसकी 12 वोल्ट कहाँ जाएगी, 8 वोल्ट पर। 4 कहाँ गई, 4 खा गया इंटरनल रेजिस्टेंस। आ गया समझ में इंटरनल रेजिस्टेंस। तो याद रखना, एक सेल के अंदर भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस छुपा हुआ होता है, जिसको हम बाहर रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, स्मॉल आर से उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो ईएमएफ कम हुई, तो जो कम हुई वो क्या हो गई, जो 8 वोल्ट है। अब कहेंगे सर इसको क्या बोलेंगे, क्या ये ईएमएफ है, ईएमएफ तो फिक्स होती है, वो तो चेंज नहीं होती।
8 वोल्ट तो कम हो गई ना, अब इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस आर के एक्रॉस ये वोल्ट हमें जो मिलेगी, दैट वोल्टेज इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बनती है यहां से, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, नहीं कहेंगे अक्रॉस, कहेंगे अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ सेल या टू पॉइंट ऑफ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट। जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दे उस समय सेल के दोनों पॉइंटों के अक्रॉस, मान लीजिए सेल ये है, ये इंटरनल तो इसके बीच में ही है, तो सेल का एक टर्मिनल तो ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया, तो इन दोनों टर्मिनल ए और बी, इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुई, यहाँ कितनी पोटेंशियल ड्रॉप हुई, 2 4 8, जो 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई वी। तो बड़ी सिंपल सी ये तीनों टॉपिक थे हमारे, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये सारा का सारा सिस्टम तब होता है जब डिस्चार्ज होती है सेल, क्योंकि जैसे ही सेल मार्केट से हम लेके आए, जैसे ही सर्किट में लगाया और जैसे ही जैसे हम डे वाइज उसको यूज करने लग रहे हैं, तो वो डिस्चार्ज होती जा रही है, एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है, तो वही चीज ये होती है कि डे वाइज उसकी जो कहां थे हम, कहां तो इसी के बारे में हम पढ़ा रहे थे, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा रिवर्स में कि भैया ये जो कुछ होता है ये डिस्चार्जिंग का केस है। अगर चार्जिंग का केस की अगर मैं बात करूं, अगर हम बैटरी को चार्ज करते हैं चार्ज, तो चार्ज के केस में ईएमएफ ज्यादा होता है, चार्ज के केस में ईएमएफ ज्यादा होते हैं। पहले इसके बात कर ले कि टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन के आते हैं, उस फॉर्मूले को मैं डराइव अगले वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन थोड़ा इसके साथ फील कर लेते हैं कि वी, देखिए सेल के अंदर जो हमारा आई आया था 2 एम्पियर और वोल्टेज आई थी 8 वोल्ट, तो देखिए 8 वोल्ट कब आई, पहले हमारे पास कितनी थी 12 वोल्ट, उसमें से 4 वोल्ट कम हो गई, उसमें से 4 वोल्ट रेजिस्टेंस खा गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 वोल्ट इज इक्वल टू 12 वोल्ट माइनस 4 वोल्ट, 4 वोल्ट यहाँ से ऐसे गया, 2 एम्पियर करंट जैसे ही आएगा इसमें से गुजरेगा, 2 एम्पियर करंट 2 ओम रेजिस्टेंस में से गुजरेगा, तो ही तो हमें 4 वोल्ट मिलेगी। क्लियर आए? तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर, आई आर, आई कितना 2 एम्पियर और ओम कितना 2 ओम, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, 8 वोल्ट क्या है पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, ये तो फिक्स है EMF माइनस ये क्या है करंट, और ये 2 ओम क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो ये फॉर्मूला बन के आता है V इज इक्वल टू E माइनस I स्मॉल आर। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल का, यहां से साफ तौर पे मालूम चल रहा है EMF में से कुछ घट रहा है तो इसकी वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू कम उसी वक्त आएगी जब हम डिस्चार्जिंग का केस कर रहे हो, और लगभग केस डिस्चार्जिंग का ही होता है। अगर न्यूमेरिकल वगैरह में चार्जिंग का केस आ जाता है तो यहां पे क्या हो जाता है प्लस आ जाता है। ठीक है, चार्जिंग के केस में इसकी 12 है, लेकिन ये कितनी लेगी वहां से 16, क्योंकि इसको 4 इंटरनल रेजिस्टेंस को भी तो देना होता है ना। क्लियर है? तो इसको हम 16 देंगे चार्जिंग के वक्त, 4 उसको दे देगी, 12 इसको मिल जाएगी फिक्स। तो याद रखना डिस्चार्जिंग के वक्त ये फॉर्मूला बनता है, वो तो पता चल गया होगा, डिस्चार्जिंग के वक्त यार पोटेंशियल ड्रॉप होती चली जाती है एक्रॉस रेजिस्टर वगैरह,
ठीक है, और चार्जिंग के वक्त उसमें जुड़ता चला जाता है, ठीक है, तो चार्जिंग के वक्त प्लस आएगा और डिस्चार्जिंग के वक्त माइनस का साइन आएगा, ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब कुछ एक बेसिक बातें और कर लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज के ऊपर करता है। तो पहला मेरा जो फैक्टर है फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, तो फैक्टर ये होगा कि जो कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है इंटरनल। जब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हम करेंगे, यानी बहुत ही ज्यादा संख्या में अगर इलेक्ट्रोलाइट यानी कंडक्टिंग सॉल्यूशन उसमें डालेंगे, तो सिंपल सी बात है ना, जो इलेक्ट्रॉन तैर कर इधर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, वो ज्यादा से ज्यादा आयंस वगैरह के साथ टक्कर होगी, उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। अगर रास्ते में ज्यादा दुश्मन हम डाल देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली अब अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, रुकावट बढ़ेगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से यानी संख्या यानी इलेक्ट्रोलाइट जो हम डाल रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन अगर हमने इंक्रीज कर दी तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिक्कत होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आने में, क्लियर। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे, कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दूसरा फैक्टर आता है, अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज करूंगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, अगर मैं डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। एक पॉजिटिव यहाँ है, एक नेगेटिव यहाँ है, अगर मैं इनका डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो इलेक्ट्रॉन जो अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, और ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, और ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक बातें हैं। एक होता है एरिया, एरिया इंक्रीज करूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा एरिया इंक्रीज करने पे। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया बढ़ाने पर, ठीक है। और एक चीज आती है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सारे के सारे आयंस वगैरह हैं वो दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगी, स्पेस मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को जाने का, बिड़ेंगे लड़ेंगे कम, कोलिजन्स होगा कम, और कोलिजन कम होगा तो रेजिस्टेंस होगा कम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, एरिया इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करने पे भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। दो डायरेक्टली है, दो इनवर्सली है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ फिक्स होती है, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, जैसे ही सर्किट में जोड़ा करंट फ्लो करेगा, ड्रॉप हो जाएगी, किसकी वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, और जो ड्रॉप होके हमें मिली दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो बना हमारा V इज इक्वल टू E माइनस आई आर इन द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ डिस्चार्जिंग, एंड E प्लस आई आर दिस इज द केस ऑफ चार्जिंग, तो वो बात की बात है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल। आई होप क्लियर हो गई होगी सारी बात, सेल क्या होती है, EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए इन चारों में रिलेशन, और तीन चार फॉर्मूलाज बन के आएंगे हमारे पास जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।